नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आप सभी आर्मी MES वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं यहां पर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, जितने भी लड़के लड़कियां इंडियन आर्मी में MES की तैयारी कर रहे हैं, MES की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वो MES की भर्ती का वेट इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर MES में जो भर्ती है वो कई सालों के बाद अब आ रही है, तो यहाँ पर कई सालों से बच्चे MES की यहाँ पर इंतज़ार में हैं कि MES की कब भर्ती आए और कब मैं इसके फॉर्म को फिल करके MES के द्वारा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके अपनी देश की सेवा करने का मौका प्राप्त करूँ। तो साथियों, ऐसे सभी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, सभी लड़कियों और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो इंडियन आर्मी MES वालों के लिए है। अगर आप आर्मी MES में जाकर अपने माता पिता का, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि इंडियन आर्मी में MES की जो भर्ती है वो आ रही है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी कब जारी होगा, ये चीज़ की अपडेट यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आज ये होने वाली है। उसके बाद दोस्तों, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन में आपकी इस बार एज लिमिट क्या रहने वाली है और एज लिमिट के बाद आपका क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी जो हाइट है, आपकी ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आपके फिजिकल में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं, इसमें फिजिकल होता है या फिर नहीं होता है, ये चीज़ भी आज मैं आपका यहाँ पर डाउट क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसके एग्ज़ाम के बारे में भी बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना टाइम आपको दिया जाता है, कंप्लीट सिलेबस के बारे में आज मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा स्किल टेस्ट इसमें होता है या फिर नहीं होता, और अगर होता है तो किस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आज आपको समझ में आ जाएगी। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है आर्मी MES के बारे में। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी बिल्कुल सही समय पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। इसीलिए आप चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना और चैनल पर सभी वीडियोस आपके काम की होती हैं उनको भी ज़रूर देखना। तो अब दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि यहाँ पर इसके लिए इस बार आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी लड़के और लड़कियों की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप आर्मी MES में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। तो उसके बाद अब सेकंड नंबर पर बात आती है क्वालिफ़िकेशन की, कि इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि MES में अलग अलग पोस्ट आती हैं, जिनमें से मैट और MTS की पोस्ट के लिए आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप आर्मी MES में MTS और मैट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप MES के द्वारा सुपरवाइज़र और स्टोर ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर इसकी योग्यता के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन इसकी 10th और 12th है, तो बात हो गई यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं आपकी हाइट की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं हाइट के बारे में आपको बताने से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि अभी तक क्या था, इंडियन आर्मी में MES में जो हाइट थी उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। तो यहाँ पर आपकी मैट और MTS में जो है MES के द्वारा आपकी जो है यहाँ पर कोई भी हाइट क्वालिफाई यहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये भर्ती आ रही है, तो हो सकता है इस बार आपकी जो हाइट है उसका क्राइटेरिया रखा जाए। तो यहाँ पर मिनिमम हाइट के बारे में तभी पता चलेगा कि आपकी हाइट क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये हो गया हाइट के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका फिजिकल है वो सुपरवाइज़र, स्टोर ऑफिसर, तो इन सभी का नहीं होता है। केवल यहाँ पर आपका जो फिजिकल होता है वो मैट का होता है। तो मैट के फिजिकल में 1500 मीटर की आपकी रनिंग करवाई जाती है। तो ये हो गया मैट का फिजिकल, और अदर पोस्ट के लिए आपका फिजिकल नहीं होता है। तो फिजिकल के बारे में ये चीज़ मैंने आपको कन्फर्म कर दी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो साथियों, आपका फिजिकल के बाद आपका एग्ज़ाम इसमें होता है, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो पेपर होता है, उसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के ही होते हैं, जिनमें आपके मैथ के 25, जीके जीएस के 25, उसके बाद रीजनिंग के 25, और इंग्लिश या फिर ट्रेड स्किल के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो चार सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके आते हैं, जिनको करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम वहाँ पर दिया जाता है। और बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर आर्मी एमएस में सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन किस मंथ जारी होगा, किस डेट को जारी होगा। तो साथियों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आपका अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपकी जो भर्ती है आर्मी एमएस की, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका कभी भी जारी हो सकता है। और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका नवंबर के स्टार्टिंग में आपका जो है एमएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आर्मी एमएस का जो प्रोसेस है, इसकी भर्ती का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हर बार आपका ये जो प्रोसेस है वो पोस्टपोन्ड हो जाता है, ये भर्ती पोस्टपोन्ड कर दी जाती है। तो कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अब ये ही इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी ये जो वैकेंसी है और ज़्यादा लेट नहीं की जा सकती, इसको करवाना ही पड़ेगा। तो नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, नवंबर में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो आर्मी एमएस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आज बताया है, ऐसे ही वीडियो बनाकर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। इसीलिए आप चैनल पर बने रहना, और अगर कोई भी डाउट या सवाल हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और दोस्तों इससे जुड़ी फुल इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, उससे पहले आपको इसकी कोई भी जानकारी इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा जानकारी किसी के भी पास नहीं है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक का इंतज़ार कीजिए, जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बिल्कुल डीपली अच्छे से समझाऊँगा, अलग अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई है, तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो यहां पर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और यहां पर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।